दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जहां पे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जी हां, उन्होंने इस केस का रुख जो है सीबीआई जांच की तरफ करने के लिए उन्होंने एक वकील को अपॉइंट किया है। जी हां, और उनका नाम है ईश्करण भंडारी। आपको बता दें, जो ईश्करण भंडारी हैं ये एक एडवोकेट हैं और वो इस केस को पूरी तरह संभाल रहे हैं, इस केस के सारे फैक्ट्स को जान रहे हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो गुजारिश करते हैं मुंबई पुलिस से कि सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्लैट है वो उसको सील कर दिया जाए। आपको बता दें कि वो उन्होंने ये गुजारिश करी है मुंबई पुलिस से। वो कहते हैं कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनका जो क्राइम सीन है, जो उनका फ्लैट है, वो एक क्राइम सीन है, उसको संरक्षित रखा जाए और वहां पर किसी भी तरह की कोई हेर फेर ना हो और ना किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ हो, ताकि सीबीआई जब जांच होगी तो और उसमें कहीं ना कहीं वहां पर कोई ना कोई ऐसा सबूत मिलने के काफी चांसेस है। तो इस बात पर, इसीलिए ईश्करण भंडारी हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने बोला है कि अगर सील नहीं किया गया है अभी तक तो उनके फ्लैट को सील कर दें। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।